नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करूँ तो इस टाइम ये शेयर चल रहा है, यानी लास्ट ट्रेडिंग से में ये शेयर क्लोज हुआ था 2.95 रुपये पे। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। हाई इसने बनाया था 3.05 रुपये का, जबकि इसने लो बनाया था 2.90 रुपये और क्लोज भी हुआ अपने लो के आसपास। तो देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है। अगर 52 एक हाई की बात करते हैं तो 4.25 रुपये, जो कि 14 दिसंबर 2020 को बनाया था। अगर 35 पैसा का ये शेयर, जो कि 52 एक लो है इनका 35 पैसे, 26 मार्च 2020 को बना था। डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 60.44% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करते हैं तो 62.42 का क्वांटिटी का जो कि डिलीवरी बेस पे उठाया गया है। तो आप देख सकते हैं 2-3 रुपये का ये शेयर है और इसमें डिलीवरी 60-62 लाख की क्वांटिटी उठाई गई है। साथ बड़े शेयर्स में भी इतनी क्वांटिटी नहीं देखने को मिलता। तो देख लेते हैं और डिटेल, यानी कि शेयर को थोड़ा सा एनालाइज करके देख लेते हैं। उससे पहले शेयर के थोड़े से न्यूज़ को अपडेट कर लेते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो सके कि आखिर ये शेयर भागेगा या फिर फिर से गिरावट आएगी। तो दोस्तों आप देखेंगे जो इसमें बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि डी इन्वेस्टमेंट यानी 74% जेपी पावर ग्रिड को बेचने की आ गई है नौबत। देख लेते हैं कि जो ये जो डील होने वाला है वो कब तक हो जाएगा। तो आप देखेंगे 31 मार्च 2021 तक ये डील हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा लॉस भी हो रहा था, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इनके थोड़े से हम फंडामेंटल को देख लें, ताकि हमें क्लियर हो सके कि आखिर इस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो आप देखेंगे मार्केट कैप 1988 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जबकि अगर डेप्ट की बात करते हैं तो 5,570 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट है। लेकिन कंपनी के पास कैश भी थोड़ी अच्छी मात्रा में है, यानी कि ग्रोथ करने के लिए बिजनेस को उतना कैश है कंपनी के पास। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इसमें लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि पिछले 10 साल 5 साल की अगर बात करते हैं, तो आप देखेंगे पिछले 10 सालों में स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो आप देखेंगे -23% करा है। 5 साल की बात करते हैं -9%, 3 साल में -17%, लेकिन 1 साल की बात करें तो 190%। दोस्तों इस साल पूरा मार्केट जब डूबा, तो उसके बाद जब मार्केट पूरा रिकवर किया, तो उसमें सारे शेयर, यानी जो छोटे जो कभी नहीं चलते थे, जो हमेशा माइनस में चलते थे, वो शेयर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कोई लहर आती है तो उसके साथ साथ जो अच्छे और जो बुरे होते हैं सबके सब बह जाते हैं, और इस बार यही हुआ। यानी 2020 की में जो ग्रोथ आई, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका था, तो उसके पीछे लगभग जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने छोटे शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया, और जब छोटे शेयर से 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर अपर सर्किट पे थे, तो जो रिटेल निवेशक थे वो भर भर के खरीदारी करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इसमें फिर से ग्रोथ आएगी। और वही रीजन है कि पूरा, यानी कि जो अच्छे शेयर थे वो भी ऊपर गए, तो और उसके साथ जो बुरे शेयर थे, यानी जिन्हें कोई पूछता भी था, वो शेयर भी खूब पैसे बनाए इस बार। तो क्या वो आगे कंटिन्यू पैसे बनाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों लहर तो खत्म हो गई, यानी मार्केट अपने पीक पे आ गया, फिर वहां से करेक्शन आ रहा है, तो ये शेयर्स तो काफी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। तो देख लेते हैं इनका क्या डिटेल बनता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, मार्च 2018 में अगर बात करें तो 31% जो कि प्रमोटर्स के पास था, इस टाइम 26% है, यानी दिसंबर 2020 तक। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज कम हुआ है तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी जब थोड़ा ही है उसमें से भी कम कर लो तो फिर क्या बचा। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर लगभग अपने स्टेक सभी कम कर रहे हैं, चाहे आप FIIs की बात कर लीजिए, DIIs की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, सभी अपनी होल्डिंग कम करते हुए ही दिखें। लेकिन जो पब्लिक होता है, पब्लिक जस्ट उसके अपोजिट करता है, यानी जब वो अपनी होल्डिंग कम करते हैं तो पब्लिक उसमें खरीदारी करता है, जब वो लोग खरीदारी करते हैं तो उस टाइम पब्लिक डरती रहती है। क्योंकि दोस्तों पब्लिक क्या होती है कि उनको लेट में डेटा ही मिलता है, और जब तक उन्हें डेटा मिलता है ये छोटे शेयर्स अपने अपर सर्किट पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये लोअर सर्किट लगते हैं तो पब्लिक खरीदारी करना स्टार्ट कर देती है। जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए जो बड़े निवेशक हैं उनका पैसा तो बनता है, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं वो पैसे अच्छे खासे नहीं बना पाते हैं, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो पैसे बनाते हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल। दोस्तों अगर इनके 1 साल के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे 176% का रिटर्न देखने को मिल गया है। 1 महीने में ये शेयर 5.5% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर बीटा की बात करें, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ये शेयर है,
टू के प्लस में हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आप खुद ही मैं सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये वोलेटाइल है ये शेयर। तो इसका अगर डिटेल देखें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 2 रुपये 75 पैसे के आसपास ये फिर से बाउंस बैक करेगा और फिर से जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 3 रुपये 20 पैसे 3 रुपये 50 पैसे के आसपास ही रहेगा, वहाँ से फिर गिरेगा, फिर से वही 2 रुपये 50 पैसे 2 रुपये 40 पैसे तक जाएगा, फिर से मतलब उसी रेंज में ही चलेगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आए ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी तेज़ी आई तो फिर से करेक्ट हो गया और फिर से नॉर्मल चल रहा है। तो वही एक रेंज बाउंड है जो ये शेयर्स उतने भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक कोई बड़ा निवेशक आएगा नहीं तब तक ये शेयर ऊपर जाएगा नहीं, और बड़ा निवेशक आएगा तो ऊपर जाकर वो सेल भी तो करेगा, लेकिन ये आपको नहीं पता कि वो कब सेल करेगा, और जब वो सेल करेगा तो ये लोअर सर्किल लगना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसके आप तो फंस जाओगे, लेकिन वो पैसा बना के चला जाएगा। इसीलिए ऐसे ही स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो फिर अपनी जिम्मेदारी पे आप करिए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।